हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत ही प्यारी लहंगे की वीडियो लेकर आए हैं हम। ये हम 5 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं लहंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर भी पूरा सीक्वेंस वाला है और नीचे भी ये बॉर्डर पूरा सीक्वेंस वाला है। और जो हमने ये फैब्रिक लिया है, ये 1.25 मीटर लिया है। इतने कम फैब्रिक में हम आपको लहंगा और चोली बनानी सिखाएंगे। जो आज की वीडियो है वो हमारी लहंगे की होगी और जो अगली वीडियो होगी वो चोली की होगी। तो उसके लिए हमने ये मेजरमेंट लिया है। इसमें केवल दो ही मेजरमेंट होंगे, वेस्ट यानी कि कमर 22 इंच, लेंथ यानी कि लंबाई 25 इंच। तो हम इसको लेंथ के अकॉर्डिंग कट करेंगे। ये जो हमारा 1.25 मीटर फैब्रिक है, इसको हमने 4 तह में फोल्ड कर लिया है और लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। यहाँ ये नीचे की साइड हम लेंथ का रख लेंगे। ये हमारा नीचे की साइड इस तरह फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसकी लेंथ रखेंगे। प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में आएगा। बस केवल इतनी ही कटिंग है हमारी। ये अब हम इसका ये अस्तर कट करेंगे। अस्तर को भी 4 तह में फोल्ड करेंगे और इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये हमने 24 इंच इसकी लेंथ रखी है। अब एक पट्टी हम बेल्ट के लिए कट करेंगे। बेल्ट हमारी है 22 इंच, तो 20। ये जो पट्टी हमने कट की है, 5 इंच हमने ये प्लस किया है, यानी 5 इंच एक्स्ट्रा रखी है हमने, क्योंकि इसमें हम लास्टिक लगाएंगे तो वो प्रॉपर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, बहुत ही इजी मेथड से हम आपको ये लहंगा बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम अस्तर को इसके साथ अटैच कर देंगे। जो एक कन्नी वाला पोर्शन है, इसको हम नीचे की साइड रखेंगे, तो हमें इसको फोल्ड नहीं करना होगा। फिर अब हम यहाँ पर ये जो ऊपर की साइड है, यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो पहले हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे सिंपल। इस तरह हमने अपना ये अस्तर इसमें जॉइंट कर लिया है सिंपल सिलाई लगाकर। अब हमें इसके गैदर तैयार करने होंगे, तो हम इसके गैदर तैयार कर लेंगे। ये हमने बेल्ट वाली पट्टी जो कट की है, ये गैदर हम उतने ही तैयार कर लेंगे जितने में हमें ये पट्टी सेट करनी है। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने
लहंगे वाला फैब्रिक लिया है। यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। और हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है और अभी हम इसको यहाँ पर सीधा कर देंगे। और यहाँ पर जो ज्वाइंट है हमारा, इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे जिससे ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। इस तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और ये पट्टी हमने सेट कर ली है बेल्ट वाली। अब हम अपने गैदर लेंगे। जो हमने गैदर तैयार किए थे और जो ये वाली हमारी सनील वाली पट्टी है, यानी कि जो लहंगे वाली पट्टी है, उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको इस तरह खोल कर करना है क्योंकि बाद में ये जो अस्तर वाली पट्टी है तो हम इसको फोल्ड कर देंगे, तो जो हमारी सिलाई है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये जो भी गैदर हमने तैयार किया है इस तरह यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने गैदर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसको इस तरह पलटेंगे। और जो ये अस्तर वाली पट्टी है हमारी, इसके ऊपर रखकर इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह। यहाँ पर ये हमारी कन्नी है इसलिए हमने इसको ऐसे ही रखा है। अगर कन्नी ना हो तो इसको फोल्ड करके लगाएंगे। अब हम यहाँ का इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह हमने यहाँ पर ये बेल्ट तैयार कर ली है और यहाँ पर एक सिलाई लगाई है क्योंकि जितनी हमारी यहाँ पर इलास्टिक आएगी हमने ये उतना पोर्शन रखा है। ये हमने इलास्टिक ली है वेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी वेस्ट है उससे 3-4 इंच हम कम रखेंगे इलास्टिक को। इस तरह हमने ये इलास्टिक को इसके अंदर डाल लिया है। अब हम इसको यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 3-4 और 3-4 सिलाई यहाँ पर लगाएंगे जिससे ये हमारी जो इलास्टिक है यहाँ पर सेट हो जाए। इस तरह हमने यहाँ पर ये इलास्टिक को सेट कर लिया है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई के लिए यहाँ पर इसको इस तरह सेट करेंगे।
और ये जैसे हमारा अस्तर है और ये नीचे वाला फैब्रिक है लहंगे वाला, इनको चारों को एक साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरे नीचे घेर तक। यहाँ तक इस तरह हमने ये साइड में सिलाई लगा ली है और हमारा लहंगा बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। और 5 साल की बेबी के लिए इतना घेर बहुत है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड भी हम इसको इसी तरह कर लेंगे। इस तरह एक बार फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी बार फोल्ड कर देंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है और हमारा लहंगा तैयार हो गया है। इस तरह हमने अपना लहंगा रेडी कर लिया है और हमने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से लहंगा बनाना सिखाया है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है इसमें, इससे आप भी इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं। आज हमने ये लहंगा बनाना सिखाया है, अगली वीडियो में हम इसका टॉप बनाना सिखाएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।